अरे सर ये क्या करवा लिया आपने लड़कियां, अरे सर इतनी अच्छी दाढ़ी थी आपकी क्यों कटवा ली आपने, अरे यार आप प्लीज यार ये अच्छा नहीं लग रहा यार, फिर इधर चल जाएंगे, अरे सर सर ये क्या अच्छी नहीं लग रही आप, यार तुम रुख बदल देते हो चीज़ों का, मुझे ही कवर करे जा रहे हैं, अरे भैया तुम तो न्यूज में रहोगे रहोगे कोई नहीं कुछ बड़े समझ जाते हैं ना। आपका जो रोल है वो थर्ड सीजन के बाद मतलब चला गया है अब जनरली, जो हमें जो हमें जो हमें जो हमें दिख रहा है मतलब एग्जैक्टली नहीं हो सकता आ जाए। जिंदगी में इंसान अक्सर अपना किरदार बनाता रहता है, लेकिन एक्टर वो ज्यादा है जहाँ पर इंसान जो है किरदार से अपनी पहचान बनाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनकी मीम्स आती है हमारे पास रोज। जी हाँ, हियर वी आर विद अनिल जॉर्ज। कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, नमस्कार आपको सबको। ये तो देख रहे हो आप कितने चालू है, ठीक है मतलब मुझे ही कवर करे जा रहे हैं, और भैया तुम तो न्यूज में रहोगे रहोगे कोई नहीं कुछ बड़े जी क्या बात है। अच्छा सर, जो आपका किरदार है हमने सबने देखा हुआ है मिर्जापुर में, लेकिन आप अभी कल्की में भी रिसेंटली दिख गए सबको, तो एग्जैक्टली कल्की का जो सिनेरियो तो वो था क्या, कैसे आया फिल्म का ऑफर आपके पास? मेरे पास जैसे हाँ। और ऑफर आते हैं ऐसे ही मैं आया, लेकिन वो 4 साल पहले आया था। अच्छा। 4 साल पहले। तो काउंसलर बानी ने जो तहलका अभी मचा रखा है कल्की में और कल्की को जो सक्सेस मिल रही है, क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आपकी धीरे धीरे कैरेक्टर बिल्डिंग और इस तरह से आप थिएटर्स में हर किसी के फोन में हर किसी की जुबान पे चढ़ जाएंगे? नहीं मैंने नहीं सोचा था कभी भी, और कोई भी कभी सोचने से कुछ अगर होता तो मैं बहुत बड़ा भी सोच सकता था, है ना ये बात। लेकिन ये तो हमारी जिंदगी का एक सफर है, उसमें जहाँ से शुरुआत होती है चलते जाते हैं, हम चलते जाते हैं, मैं चलता जा रहा हूँ, सोचा नहीं था ये बात है। लेकिन ये हुआ और लाला मिर्जापुर वाला वो तो देख लो पूरा, है ना, कल्की मर्दानी और आपका वॉर में और अपना गदर 2 ब्लॉकबस्टर हो गई सब लोग, है ना। और आपका एक मैंने देखा है जब आपकी बियर्ड रहती है तो आप एक अलग दिखते हैं और जब बियर्ड हटा लेते हैं तो एक अलग इंसान दिखते हैं, तो ये जो लुक है कभी ऐसे घर पे ऐसे हुआ कि सब चौंक गए जब आपने पहली बार बियर्ड हटाई हो ऐसा कुछ? घर की बात नहीं, बाहर की बात। हाँ, बाहर में किसी ने घर वाले तो जानते हैं हम सबको ना, बाहर तो बाहर तो होता है, बाहर तो बाहर लोग बहुत लोग तो बड़ा अफसोस कर रहे थे कि यार ये दाढ़ी क्यों कटवा ली, अरे सर ये क्या करवा लिया आपने लड़कियां, अरे सर इतनी अच्छी दाढ़ी थी आपकी क्यों कटवा ली आपने, अरे यार आप प्लीज यार ये अच्छा नहीं लग रहा यार, फिर इधर चल जाएंगे, अरे सर सर ये क्या अच्छी नहीं लग रही आपकी दाढ़ी। अच्छा पल्लव सिंह जो है जो शायर मिर्जापुर में थे उनके साथ आपका एक बड़ा एक अच्छा सीक्वेंस देखने को मिला था लास्ट वाला जो आपका सीन था, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि किसी को आपने दिल से चाहो और उसने एंड टाइम पर आपको इसी तरह से धोखा दिया हो? यार तुम रुख बदल देते हो चीज़ों का, चाहने वाले तो बहुत आए हैं जिंदगी में, सबके आते हैं, हाँ इस चेहरे पे अब जरा पता नहीं लोगों को पसंद आता ही नहीं आता, लेकिन बहुत आए यार बहुत आए। अच्छा। अभी भी आ जाते हैं कभी कभी। हमने देखा अक्सर आपका जो बड़े हूँ बेटा चलता है बहुत ज़्यादा वायरल भी है, लेकिन उसके अलावा कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर महफिल में बैठे हो आपने गाली का आधा इस्तेमाल कर दिया हो? ये तो करते हो बीच में बड़े बड़े समझ जाते हैं ना बड़े बड़े यार, फिर कभी कभी बोलता हूँ बड़े वाले हो यार वो पूरा नहीं करता। अच्छा अच्छा, हम एक और बात जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी यूबी फाइल्स भी आपकी जो है वो आ रही है बड़े थिएटर्स में, सबको देख रहे हैं, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी से ये जूझ रही है, अभी देखा जा रहा है काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ठीक है तो आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो एक्टर हूँ यार, मुझे तो काम करना है और क्या, जैसा मुझे कोई काम करने को देगा मैं कर लूँगा और वही मैंने इसमें भी किया। मिर्जापुर की कास्ट में आपका जो रोल है वो थर्ड सीजन के बाद मतलब चला गया है अब जनरली, जो हमें दिख रहा है मतलब एग्जैक्टली नहीं हो सकता आ जाए वापस, हो सकता है आ जाए वापस भाई, ये तो बहुत बड़ा मतलब आने वाला है ये सीजन। मैं यार पूरा बोलता दिया हो सकता है हो सकता है ओके। अच्छा दिल्ली आए हैं आप, फेवरेट डिश, और दिल्ली में आप रहे भी हैं काफी समय, देखिए ऑन रिकॉर्ड है ये डिश की बात पूछ रहे हैं, अभी लंच पे ले जाके जा रहे हैं हमें क्या है यार ये वही मैं जानना चाहता हूँ आपकी तो फेवरेट क्या है दिल्ली में? जो खिला दोगे वही फेवरेट बोल देंगे हम दिल्ली फेवरेट है मतलब पूरी पूरी दिल्ली यार, दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली दिल वालों, दिल्ली के लौंडे, दिल्ली देखिए ऐसी दिल्ली दिल्ली वाली बातें हमने आज की है सर से, और काफी सारे सवाल थे जिनके अब जवाब हमने जाने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए, और ऐसे थैंक यू सो मच।